गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल इन लिट्रा वैली स्कूल ड्राइंग क्लास। आज हम लोग बनाना सीखेंगे क्रिसमस ट्री। उसके लिए हम लोग को चाहिए ग्रीन फ्लोरोसेंट पेपर या ग्रीन क्राफ्ट पेपर ले लीजिए, जो दोनों तरफ से ग्रीन आता है, फेविकॉल, सीजर, और ऐसा हम लोग बनाएंगे क्रिसमस ट्री। ठीक है, और ये स्टार तो मैं पिछले बार आप लोग को सिखाई हूँ, वही उसी का छोटा स्टार बना के मैंने यहाँ पे लगा दिया है इसको डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ए फोर शीट पेपर लेंगे, उसको तीन डिफरेंट डिफरेंट साइज में उसको कट कर लेंगे, जैसे एक इतना छोटा, दूसरा उससे थोड़ा सा बड़ा और तीसरा उससे थोड़ा बड़ा। ठीक है, एक इतना बड़ा, एक अब इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, तो इससे ऐसे करके हम लोग नाप के, या आप स्केल से भी नाप के कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा बड़ा, देखिए इतना बड़ा है, इससे थोड़ा सा बड़ा, इसको कट कर लिए, और इससे ये थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा बड़ा इसको कट कर लिए, और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम लोग निकाल देंगे। उसको वो करने के बाद हम लोग, मैंने ये बना के रखा है ऐसा, जैसा जापानी पंखा हम लोग बनाते हैं ना, उस टाइप का दो साइज मैंने बनाया है। अब इसको कैसे बनाएंगे ये मैं एक आप लोग को बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, ये पेपर इसको ऐसे हाफ फोल्ड करना है। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसे हाफ फोल्ड करेंगे। ऐसा करने से आपको ये आसानी से आपका बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको बनाने में। ठीक है, इसको मैंने ऐसे खोल दिया। अब जैसे जैसे इसका फोल्ड बना है ना, वैसे वैसे इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। ये बहुत आसानी से बन जाता है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम लोग ऐसे कर लिए। ठीक है, ये बन गया मेरा तीन साइज का, एक इससे, एक ये थोड़ा बड़ा और एक इतना छोटा। ठीक है, अब हमको एक पेंसिल चाहिए होगा, और पेंसिल से हम लोग इसको ऐसे करके कट कर देंगे। आप पेंसिल से ड्रॉ कर लेना ऐसे टेढ़ा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, इस ऐसा हम लोग तीनों में करेंगे। अगर आपको ऐसा है तो इसको ऐसे हम लोग रख के इससे भी ऐसा करके, दो कट गया और ये एक बचा, इसको भी ऐसे करके हम लोग कट कर लेंगे। तीनों हो गया, ये पहले हम, मेरा ये लीफ बन गया तीन साइज का। अब हम लोग स्टिक बनाएंगे, ऐसा स्टिक। ये स्टिक आप मतलब कोई स्टिक पतला सा लेके भी बना सकते हैं, और या तो आप ये करके भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हाथ में पानी लेके इसको ऐसे करके, ऐसे करके हल्का सा ऐसे राउंड करेंगे ना, तो ये राउंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे करके ऐसा स्टिक हम लोग बना लेंगे। ये ऐसा स्टिक हम लोग बना लेंगे, और यहाँ पे फेविकॉल की सहायता से इसको हम लोग पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा स्टिक बन गया। बहुत आसानी से बन जाता है, नहीं तो आप कोई भी आप क्या बोले, पतला सा स्टिक या पेन का लीड जो होता है उससे आप किसी भी चीज से ऐसा कर सकते हैं।
नहीं तो ये तो हाथ से बहुत आसानी से बन जाता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा पेपर कट करेंगे, इसको तीन भाग में हम लोग कर देंगे, ठीक है। छोटा इतना बड़ा पेपर कट करेंगे और इसको तीन पार्ट में कर लेंगे, इसको ऐसे करके। ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ये वाला पार्ट मेरा दबा रहना चाहिए और ये इसको हम लोग फैलाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे ऐसे, और फिर दूसरे में ऐसे कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको कट कर दूंगी। ये हो गया, तब तक इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। सेम चीज इसमें भी करेंगे। ठीक है, और इसमें भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये जो मेरा स्टिक बना हुआ है इसके ऊपर हम लोग अब पेस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा साइड साइड से ऐसे कट कर देंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला पार्ट है उसको इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग फेविकॉल लगा देंगे और इसको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा पेस्ट होने में, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा दूसरा है, उसको हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा करते हुए इसको हम लोग ऐसे करके पेस्ट करेंगे। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप डबल साइडेड टेप भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ये डेकोरेट करना है तो डबल साइडेड टेप से भी चिपक सकता है, आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे, ये मेरा ये सट गया। अब हम लोग ये स्टार है इसको ऐसे करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ भी पेस्ट कर सकते हो। ये जो स्टार मैं पिछले बार सिखाई थी इसको भी आप छोटा सा बना के आप यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। एंजॉय कीजिए, बनाइए और एंजॉय कीजिए क्रिसमस ट्री। अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐसे करके भी ऐसे करके आप पेस्ट कर सकते हैं, ये दोनों ऐसे करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।